अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त जाहिद नज़ीर। हमेशा कुछ ऐसे सवाल जो आपके साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, जो कि आपको हंसने का मौका फराहम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ लूँ मैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, घंटा साथ बजा दीजिएगा। आज हम किसी सवाल के साथ हाजिर नहीं हुए, आज हम हाजिर हुए हैं एक छोटी सी नोकझोंक और शरारत के साथ। आपको पता होगा शरारत का पहला पार्ट मैंने बनाया था, शरारत का ऊपर देख रहे हैं, ये लिंक आ रहा है शरारत का पहला पार्ट है, ठीक है। अब शरारत का जो दूसरा पार्ट आएगा वो भी UMT में, और मैं आपको लिए चलता हूँ आपकी वीडियो के जरिए। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा जाहिर नज़ीर डॉट इन। आजकल के दौर में ऑनलाइन क्लास का दौर है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग तंग बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं आप जानना चाहूँगा कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। पहले आप बताएं ऑनलाइन आप बता रहे थे। हाँ मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इन्होंने क्लास के बारे में बहुत अच्छा हमें ब्रीफ किया, थैंक यू वेरी मच। आजकल आटे का बहरान चला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है कि यार हुकूमत क्या है और ये क्या सीन चल रहा है आजकल। आप बताएं, एक मिनट आप बताएं। नहीं उससे पूछे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप कुछ कह रही थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इन दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लोग बड़े इससे परेशान, लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन क्लासेस या तो बेस्ट है या तो नहीं बेस्ट है, ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे, तो आप मुझे अपनी ओपिनियन बताइएगा कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है, आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इन दोनों से बात करके, इन्होंने बहुत अच्छी ओपिनियन दी अपनी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आजकल जो महंगाई का बहरान है, ये आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है, पता है ना ये चीज़ें हो रही हैं आजकल, है ना, हो रही है ना, हुकूमत क्या कर रही है इसके बारे में, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये जितनी भी हुकूमतें, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये काम कर सकती है लेकिन ये काम कर नहीं रही, ठीक है, आपने इस पर ओपिनियन देनी है और बताना है कि यार ये काम ऐसे होगा तो बेस्ट हो जाएगा, यू नो, ऐसे होता है ना कि मतलब दूसरे की ओपिनियन होती है तो फिर हो जाता है डन, है ना, तो ये ओपिनियन आपने देनी है और दे दी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने बहुत अच्छी ओपिनियन दी। हम यही दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से, जो इन्होंने ओपिनियन दी है उस पर ज़रूर अमल करें, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी ड्रामे आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं पता है आपको, और इसमें ना कुछ नेगेटिव रोल ऐसे होते हैं जो पता कहता है कि यार ये नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए था, इससे अच्छा ये वाला नेगेटिव रोल जो इन्होंने किया ना ये वाला होना चाहिए था, ठीक है। आपको पता ना नेगेटिव रोल आजकल सही भी नहीं आ रहे, पता ही आपको, तो मैं इस पर आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि यार आपको क्या लगता है कि ऐसे नेगेटिव रोल होने चाहिए या थोड़े से मुख्तलिफ नेगेटिव रोल होने चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी ओपिनियन दी इन्होंने नेगेटिव रोल्स के बारे में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आपका नाम बता दें, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये पाकिस्तानी ड्रामा में आजकल ना बड़े नेगेटिव रोल आ रहे हैं, पता है ना, नेगेटिव रोल भी आते हैं, यू नो, और कई नेगेटिव रोल ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये क्या चवल मारी, इसको तो नेगेटिव रोल होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, ऐसा नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे आजकल पाकिस्तान ड्रामा में चल रहा है आप जैसा कि आपको पता है, ठीक है, तो मैं आपसे ये ओपिनियन लेना चाहूँगा कि यार आपको क्या लगता है कि यार ऐसे नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा नेगेटिव रोल होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इन्होंने ओपिनियन दी, इनके मुताबिक पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत तब्दीली की ज़रूरत है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये नेगेटिव रोल होना चाहिए, ये नेगेटिव रोल नहीं, अगर ये नेगेटिव रोल है तो इसको बेहतर कर लेना चाहिए, इससे बेहतरी आ सकती है इस नेगेटिव रोल में, सही है। तो अब मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि इसमें यार आप क्या कहते हो कि यार मतलब इस नेगेटिव रोल में कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप मुझे ये बताएं जी। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छी ओपिनियन दी, इनके मुताबिक पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत तब्दीली की ज़रूरत है, थैंक यू वेरी मच। सर आपको पता है कि यार महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, बिजली का बहरान खड़ा हुआ है, इसमें जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो चल रही है आजकल, ठीक है, उसमें कई नेगेटिव रोल्स आपके सामने आते हैं, कई आपको पसंद आते हैं, कई नहीं पसंद आते, यू नो, अब आपने ये बताना कि यार ये जो नेगेटिव रोल ना कि बहुत ऊपर एक्सट्रीम चले जाते हैं कि यार ये चवल बजी है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं नहीं सुन तो लें मेरी बात सुन लेना, वो नेगेटिव रोल जा रहे हैं ना, पता है ना, तो मैं आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ उसमें कि यार आप क्या कहते हो कि यार इस तरह के नेगेटिव रोल ना सोसाइटी को ऑफ करते हैं और इस तरह के जो नेगेटिव रोल हैं सोसाइटी कहती है कि ठीक है यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपकी ओपिनियन चाहिए पहले मुझे, ठीक है। आप मुझे बताने वाली लेकिन बहुत अच्छा लगा इन तीनों से बात करके, इन तीनों की ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बाद बिजली का तूफान आने वाला है, आपको पता ही है महंगाई आजकल कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, यू नो, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि यार ये महंगाई जो है ना इसको इस तरीके से हम साइड पर कर सकते हैं, और ये जो चीनी का बहरान है ना इसको हम ऐसे साइड पर कर सकते हैं। ओपिनियन चाहिए आपकी, ऑनेस्ट ओपिनियन जो होती है ना वो वाली, आप बहुत अच्छा लगा इन दोनों से बात करके, इन दोनों की ओपिनियन बहुत अच्छी थी, मैटर करती है, थैंक यू वेरी मच।
ये था बताओ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आई तो उसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए का zahirnazeer.ae के नाम से मुझे चैनल पे सर्च और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिल सके। मेहरान के साथ खड़े होकर मतलब ये नहीं कि मेरे पास सेविक है, सेविक तो दूर की बात, मेरे पास तो 70 भी रही है। तो ना हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों में खुशियां बांटते रहे ताकि आप भी खुश रह सके। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह नेकी।